मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है दो। एक हॉस्पिटल जो है वहाँ हम रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं मानसिक रोग तथा व्यसनी लोगों को, और दूसरा हॉस्पिटल है यहाँ बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं जो मनोरुग्ण है और दारू व्यसनी लोगों को। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये हमारे एक पेशेंट है, इनको एक ऐसी बीमारी थी कि जिसमें वो चलते थे कंटिन्यूस। जैसा मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे चल रहे थे वो। वैसे चल रहे थे कंटिन्यूअसली और काफी दो ढाई साल से थे, तो उनके बारे में जरा बातचीत में से करके मालूम पड़ेगा उनको क्या प्रॉब्लम है। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र अमृतराव ढेरकर है। क्या प्रॉब्लम था? मेरे को ये प्रॉब्लम था कि भाई गोलिया कितने भी खाओ तो भी पैर पे जगह पे कुछ रुक रहे नहीं थे। चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे 15-16 घंटे चल रहे। सुबह 6 बजे उठा के रात को 8-9 बजे तक कदम चलते थे। बाद में सोने की गोली देती थी, बाद में सो जाता था। ऐसा ऐसा दो ढाई साल से चालू था। दो ढाई और आपको एक जगह आप बैठ सकते नहीं थे, कंटिन्यू चलना इधर से उधर। खाना खाने के लिए भी एक जगह बैठने की मुझे स्थिति। अच्छा, खाना खाने के लिए भी एक जगह बैठने की। पिक्चर तो कैसा देखता नहीं मैं, पिक्चर देखा नहीं। मैं उनकी पसंद की टीवी लगाती थी, इसकी वजह से तो वो बैठेंगे, फिर भी वो बैठते नहीं थे। ऐसा बुरा लगता था कि हम सब बैठते थे और धूप वो देखते नहीं थे। धूप में भी सब हमारे आजू बाजू के लोग इनको वो कंटिन्यू मजाक उड़ाते थे, इतना बुरा लगता था कि बहुत ही। तो ये 2.5 साल से था, आपने इसका इलाज करवाया था, फिर आपको यहाँ का पता चला, फिर आप यहाँ आए। फिर यहाँ आने के बाद में आपको दवाई दिया हमने, है ना, दवाई दिया। बाद में क्या हुआ? बिल्कुल बंद ही बाद में पैर बंद हो गए। और मेरे को ऐसा डाउट होता है साला कभी पैर चलेंगे तो नहीं, अभी वापस वैसे होंगे तो नहीं, लेकिन वैसा हुआ नहीं वापस। अभी तो पड़े हैं एक जगह, अभी 2-3 दिन अच्छी नींद ली, खाना खाया, एक जगह बैठे, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। हमारे एक डॉक्टर ने ऐसे सर्टिफिकेट लिख दिया, वो सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा लिख के ठीक। उस दिन से बहुत टेंशन आ रहा था, सेवाग्राम पर वहाँ भी गए, फिर भी उधर भी कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत आश्चर्यचकित झालो। तुमचं गोळ्या कोणत्या दिल्या, काय दिल्या, विचारणार होतो कोण दिल्या, बा पाया फोडू द्या बोले। नाही, बहुत मेरे आंसू निकल आते थे कि ऐसा बहुत बुरा लगता कि इनकी बीमारी का इलाज होगा कि नहीं होगा। जिंदगी में ऐसी लगा थी पैर बैठे ही नहीं बैठे। अब देखो, इस तरह के जो प्रॉब्लम है, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में कि मानसिक बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती है। मानसिक बीमारी के लिए हम कुछ ना कुछ दवा देते हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम था वो दवा का साइड इफेक्ट है एक्चुअली। अच्छा, है ना, साइड इफेक्ट था दवा का। अच्छा। कि जो दवा से आपको एक जगह बैठना ही होता नहीं था, इधर से उधर उधर से इधर, मतलब दिन रात दोपहर को शाम को कंटिन्यूसली घूमना, एक जगह बैठना नहीं, खाना खाने के लिए बैठना नहीं, टीवी के लिए बैठना नहीं, सोना बस उतना आराम है बस। तो इसको बोलते हैं एकेथेसिया, ये नाम की बीमारी, एकेथेसिया नाम की बीमारी है कि जो दवाई का साइड इफेक्ट होता है, और वो हमने उसको डायग्नोज किया। और जैसे एकेथेसिया की हमने ट्रीटमेंट उनको दिया, जो गोलियाँ चल रही थी वो गोलियाँ रुका दिया और नई गोलियाँ लिया, जैसे उनको बदन को आराम पड़ेगा, नींद अच्छी आएगी, और जो साइड इफेक्ट था उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए दवाई दी। तो उनसे उनको करीब करीब 48 घंटे में फायदा हो गया, और आज वो यहाँ खड़े रह रहे हैं कम से कम। ये तो इनको खड़ा रहना भी मुश्किल था। 48 घंटे में 12 जब भर्ती हुए तो एक रात में सुबह चलना ही बंद, दोपहर पे भर्ती हुए थे और शाम तक चले, फिर सुबह देखो तो चलना ही बंद हो गया, फिर 48 घंटे पूरा ही पूरा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह के इलाज हम करते हैं मधुर रुग्ण के,
क्या होता है कि आपको है मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी में लोग थोड़ा सा अच्छा होने के बाद में क्या करते हैं कि दवाई बंद कर लाते हैं। आपको कम से कम एक साल तक दवाई लेनी है, और ऐसी दवाई की जो दवाई का साइड इफेक्ट होगा नहीं, अच्छा ना, कम से कम इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा जो भी आपको सूट हो रही है, ताकि आपका मन शांत रहे। आपको जो अलग 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 भन्नाट विचार आते रहते हैं, ये करूं वो करूं, तो विचार नहीं आते। पहले आपको कौन से विचार आते थे डॉक्टर साहब? मेरा प्रॉब्लम कौन सा है? मैंने क्या चार चौक दोस्त पहचान के बैठ के रहे थे, पहले मैं ज्यादा डायरेक्ट गाड़ी लगा देता था, नमस्ते करता था, अब मैं इधर से साइड मार दिया, मुझे डर डर रहता है, बैठने की इच्छा नहीं होती, बोलने की। तो काफी मतलब ऐसी बीमारी थी कि एक जगह नहीं बैठना, घूमना फिरना, लोगों से बातचीत करना, पैसे का पैसे बहुत ज्यादा खर्चा करना, बहुत ज्यादा उसको महंगा। नाम की जो बीमारी है वो बीमारी मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी एक जगह बैठता नहीं। जो व्यक्ति को जो प्रॉब्लम हुआ है, जो समस्या हुई है व्यक्ति को, वो एक जगह बैठता नहीं, वो इधर से उधर, उधर से इधर से उधर, मतलब इतना रेस्टलेस लगता है, ऐसा लगता है इसको कुछ भी घबराहट हुई है। ये व्यक्ति को एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, भाई वो बीमारी है क्या? और मतलब इतना बेचैन रहता है व्यक्ति, बहुत ही बेचैन। और एकेडेसिया जो है वो एक मतलब जो मतलब एंटीसाइकोटिक जो दवाई है, वो दवाई से उसका जो साइड इफेक्ट है उससे होता है। तो हमको क्या, हमको करना क्या पड़ता है कि भाई वो दवाई पहले बंद करना। डॉक्टरों को बड़ी पहचानने में तकलीफ होती है, मतलब अभी जो आपने देखा ये पेशेंट, इनके डॉक्टर लोगों को, इन्होंने ये बहुत जगह घूमे, इनको प्रॉब्लम ये हो गया कि उनको लगा कि ये बीमारी का पार्ट है, इनको मैनिया था तो इनको लगा बीमारी का पार्ट है, और बीमारी में ही ऐसा घूम रहा है, उसका डायग्नोसिस क्लियर नहीं था। हमने देखा कि नहीं, एकेडेसिया अलग है और मैनिया की बीमारी अलग है, उसका एकेडेसिया ठीक हो गया और आज वो एकदम स्वस्थ जीवन अपना जी रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।